नीमत फुटबॉल का शहर रहा है और फुटबॉल प्रेमी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं और फुटबॉल को देखना पसंद करते हैं। पहली बार महिलाओं के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश में नीमच फुटबॉल के नाम से मशहूर था। यहाँ के कालूराम सैनी, ओपी साहू, विजय कोटिया, प्रहलाद अहीर, हीरा कप्तान करीम साहब ने पूरे देश में अपने कौशल से धूम मचा रखी थी, लेकिन आज वे कौशल व कला लुप्त होती जा रही है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, बच्चों को फिर से फुटबॉल खेलने की बारीकियाँ समझाएंगे ताकि नीमच का फुटबॉल का गौरव फिर लौट आए। उक्त विचार ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान के चेयरमैन अनिल चोरसिया ने जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित महिला फुटबॉल के फाइनल में अध्यक्षीय उद्बोधन में व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा व विशिष्ट अतिथि पार्षद योगेश प्रजापति थे। मैच के प्रारंभ में अतिथियों का परिचय निम्बाहेड़ा फुटबॉल क्लब व कुकलेश्वर महिला फुटबॉल क्लब से कराया गया। अतिथियों का स्वागत जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पाली छाबड़ा, वरिष्ठ खिलाड़ी धर्मेंद्र परिहार व मनोहर अंब ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा ने कहा कि नीमच के फुटबॉल खिलाड़ियों की हर संभव मदद की जाएगी, स्टेडियम ठीक किया जाएगा, फ्लैश लाइट चालू की जाएगी। विशिष्ट अतिथि पार्षद योगेश प्रजापति ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महिला फुटबॉल का मुकाबला निम्बाहेड़ा महिला फुटबॉल क्लब कुकलेश्वर और महिला फुटबॉल क्लब के मध्य हुआ। कशमकश भरे खेल में कुकलेश्वर क्लब ने एक गोल से मुकाबले को जीत लिया। कुकलेश्वर महिला फुटबॉल टीम के कोच महेंद्र सिंह बग्गा थे। विजेता उपविजेता टीम को ट्रॉफी व फुटबॉल प्रदान किए गए।